आईपीएल 2021 को लेकर के चेन्नई सुपर किंग के हवाले से एक बहुत ही बड़ी खबर सामने निकल के आई है, और खास करके जो चेन्नई सुपर किंग के चाहने वाले हैं, जो चेन्नई सुपर किंग के फैंस हैं, उनको ये खबर जानना बेहद ही ज़रूरी है। और आप लोगों के मन में भी आईपीएल 2020 में हमेशा एक सवाल ज़रूर आता था मन में कि क्या हम महेंद्र सिंह धोनी को आईपीएल के अगले सीज़न में देखेंगे कि नहीं। लेकिन इस बात पर महेंद्र सिंह धोनी ने अपने अंतिम मैच जो कि पंजाब के खिलाफ था आईपीएल 2020 में, उसमें साफ कर दिया था कि वो अगले सीज़न भी चेन्नई सुपर किंग के लिए खेलते हुए नजर आएंगे। लेकिन रिसेंटली अभी जो खबर आ रही है चेन्नई सुपर किंग के मैनेजमेंट के हवाले से, उसके मुताबिक अब चेन्नई सुपर किंग के जो टीम है उसमें बहुत ही बड़ा फेरबदल होने वाला है, और ये खबर महेंद्र सिंह धोनी से जुड़ा हुआ है। आप सभी को बता दूं कि जो अभी फिलहाल महेंद्र सिंह धोनी चेन्नई सुपर किंग की कप्तान है, वो आईपीएल 2021 से पहले चेन्नई सुपर किंग की कप्तानी छोड़ सकते हैं। हालांकि आप लोगों को यानी कि चेन्नई सुपर किंग के जितने भी चाहने वाले हैं उन सबको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी आईपीएल 2021 जरूर खेलेंगे और सीएसके के लिए ही खेलेंगे। लेकिन जो महेंद्र सिंह धोनी का प्लान है, जो महेंद्र सिंह धोनी की तैयारी है, वो ये है कि वो कप्तानी छोड़ दे और एज ए प्लेयर खेले, और उसी बीच जो है किसी एक नए कप्तान को अपने अंडर में खिलाए, ताकि जो कप्तानी के गुण है वो महेंद्र सिंह धोनी से सीख पाए नए कप्तान। वहीं अगर हम बात करें नए कप्तान की रेस में कौन कौन है, तो आप सभी को बता दूं कि जो अभी रिसेंटली ही खबर निकल के आई है उसके मुताबिक जो कप्तानी की रेस है उसमें सबसे प्रबल दावेदार के रूप में फाफ डु प्लेसिस का नाम सामने आ रहा है। फाफ डु प्लेसिस को हो सकता है कि चेन्नई सुपर किंग अपना अगला कप्तान घोषित करे। वहीं इसमें दूसरे नंबर पर रविंद्र जडेजा का नाम भी शामिल है, और ये भी खबर सामने निकल के आ रही है कि रविंद्र जडेजा को दिया जा सकता है आईपीएल 2021 से चेन्नई सुपर किंग की भागदौड़। हालांकि इस पर अभी ऑफिशियल कन्फर्मेशन नहीं है कि महेंद्र सिंह धोनी कप्तानी छोड़ देंगे और नई कप्तान बनाई जाएगी, लेकिन जो खबर सामने निकल के आई है उसके मुताबिक अब नए कप्तान के रूप में चेन्नई सुपर किंग को मिल सकता है या तो फाफ डु प्लेसिस या तो रविंद्र जडेजा, इन्हीं दोनों का नाम अभी सबसे आगे चल रहा है। हालाँकि हम सबको ये बात नहीं भूलना चाहिए कि चेन्नई सुपर किंग के जो फिलहाल के वाइस कैप्टन है वो सुरेश रैना है, लेकिन आईपीएल 2020 में सुरेश रैना ने नहीं खेला, जिसके कारण से ये भी खबर सामने निकल के आ रही है कि चेन्नई सुपर किंग के मैनेजमेंट सुरेश रैना के बीच में मतभेद हो गया, और हो सकता है कि चेन्नई सुपर किंग अब सुरेश रैना को रिलीज कर दे और सुरेश रैना आईपीएल 2021 में किसी अन्य टीम से खेलते हुए नजर आए, और इसी के कारण से सुरेश रैना का जो नाम है वो कप्तानी की रेस में नहीं है। अभी जो फिलहाल नाम निकल के आ रहा है वो फाफ डु प्लेसिस और रविंद्र जडेजा का है। तो ये अगर सही हुआ तो ये कहीं ना कहीं सीएसके के फैंस के लिए बड़ा झटका होगा, क्योंकि वो लोग लगातार महेंद्र सिंह धोनी को कप्तान के रूप में देखना चाहते थे, लेकिन ऐसा शायद नहीं हो पाएगा। और महेंद्र सिंह धोनी ने ये सही निर्णय लिया है, क्योंकि जब महेंद्र सिंह धोनी अपने अंडर में किसी कप्तान को खिलाएंगे तो महेंद्र सिंह धोनी वो सारे गुण जो कि महेंद्र सिंह धोनी में है कप्तानी के वो सिखा सकेंगे उनको, और सही कप्तानी करने की राह भी दिखा सकेंगे। तो इस पर आप लोगों का क्या है रिएक्शन, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप लोग क्या इस निर्णय से कितना प्रभावित है, और आप क्या ये निर्णय सही सोचते हैं या फिर आपको लगता है कि गलत है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे बहुत जल्द नए अपडेट के साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलेंगे बहुत जल्द। नमस्कार, धन्यवाद।